गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम मीडियन कंटीन्यूअस सीरीज में इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए क्या क्या स्टेप करेंगे। सबसे पहले आप श्रेणी को बदलना हो तो बदलेंगे। श्रेणी को कब बदलना है कि अगर वो समावेशी हो तो उसको अपरिचित बदलते हैं, असमान वर्ग वाली हो तो उसको समान वर्ग वाली बदलते हैं, अगर वो संचयी श्रेणी है लेस देन और मोर देन तो उसको सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, और अगर वो ओपन एंड सीरीज है तो उसको कंप्लीट कर लें। तो पहला काम है श्रेणी को बदलना, दूसरा उसको आरोही या अवरोही क्रम में रखें, दोनों में से कोई भी एक क्रम में रख लें। तीसरा काम करेंगे संचयी आवृत्तियां निकालें, संचयी आवृत्तियां CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, आगे से आगे फ्रीक्वेंसी को जोड़ के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। चौथा काम करें मध्य का पद निकालें, मीडियन आइटम n इक्वल टू n अपॉन 2 टाइम, n को 2 से डिवाइड करें तो मीडियन आइटम आ जाए, और अब मध्य का मूल्य निकालें, मीडियन वैल्यू। इसके लिए दो फॉर्मूले हैं, अगर आरोही क्रम हो तो क्या फॉर्मूला होगा और अगर अवरोही क्रम है तो फॉर्मूला क्या होगा। आरोही क्रम है तो मीडियन इक्वल टू एल वन प्लस आई अपॉन एफ एम माइनस सी, और अगर अवरोही क्रम है तो मीडियन इक्वल टू एल टू माइनस आई अपॉन एफ एम माइनस सी। अब देखिए यहाँ मीनिंग क्या है, एल वन का मतलब है कि जो मध्य का पद आएगा उसको संचयी आवृत्ति में देख के मध्य का वर्ग निकालेंगे, मीडियन ग्रुप कौन सा है, तो इन दोनों के आधार पर मीडियन ग्रुप आ जाएगा। जब मीडियन ग्रुप आ जाएगा तो उसमें से मीडियन की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, तो एल वन का मतलब है मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट, आई का मतलब है इस मीडियन ग्रुप का क्लास इंटरवल, एफ का मतलब है इस मीडियन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, एम का मतलब मीडियन आइटम, और सी का मतलब है कि जो मीडियन ग्रुप आएगा उससे पिछले ग्रुप की संचयी आवृत्ति। अगर अवरोही क्रम है तो एल वन की जगह एल टू हो जाए, अपर लिमिट हो जाएगी माइनस, बाकी सब मीनिंग वही। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके अपन कंटिन्यू सीरीज में मीडियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग और लिख लीजिए कि क्या क्या मीनिंग है फॉर्मूले में, एल वन का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप की लोअर लिमिट, आई का मतलब है क्लास इंटरवल ऑफ मीडियन ग्रुप, एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, एम का मतलब है मीडियन आइटम जो कि एन अपॉन टू से आता है, और सी का मतलब है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मीडियन ग्रुप, मीडियन ग्रुप से पहले की, और L2 जहां है वहां है अपर लिमिट, अपर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप। ये सारा मीनिंग है। अब एक प्रैक्टिकल लेते हैं क्वेश्चन, पहले सिंपल लेते हैं कि अगर वो सीरीज चेंज नहीं करनी है, जैसे आपको दे रखा है x और f, जैसे एक जगह 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 5, 10, 18, 12 और 5, जैसे ये दे रखी है, तो इसकी टोटल करें तो n इक्वल टू 10, 15, 20, 50। अब ये श्रेणी दे रखी है, तो
तो आप देखिए ये कंटिन्यूस सीरीज है, हर ग्रुप की क्लास इंटरवल बराबर है और ये अपर जी श्रेणी है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो अब अपन इससे मीडियन कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करें, एक तो सबसे पहले सी एफ निकालें, कम्युलेटिव डिफरेंस, आगे आगे जोड़े फ्रीक्वेंसियों को, पांच में दस जोड़ेंगे, पंद्रह, पंद्रह में अठारह जोड़ेंगे, तैतीस, तैतीस में बारह जोड़ेंगे, पैंतालीस, पैंतालीस में पांच जोड़ेंगे, पचास, ये सी एफ आगे। अब अपन मीडियन आइटम निकालेंगे एन अपॉन टू आइटम, एन अपॉन टू, एन है पचास, डिवाइड करें दो से तो आएगा 25th आइटम। ये मणि का पद है, ये कौन सी सीएफ में शामिल है, 33 में, और इसके सामने वाला जो ग्रुप है ये कहलाएगा मीडियन ग्रुप। तो पहले मीडियन ग्रुप पता करते हैं, तो मीडियन ग्रुप आ गया 20 से 30, ये मीडियन ग्रुप है। अब इसमें से मीडियन की वैल्यू निकालें, तो ये श्रेणी आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे, n इक्वल टू m1 प्लस i अपॉन f m माइनस c। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो मीडियन इक्वल टू l1 है 20, क्लास इंटरवल 10 का है और इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 18, और मीडियन आइटम m का मतलब मीडियन आइटम 25, और c का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो मीडियन ग्रुप है इससे पिछले ग्रुप की संचयी आवृत्ति 15। ये डिवाइड करें तो m इक्वल टू 20 प्लस 10 इनटू 10 डिवाइड बाय 18, तो m इक्वल टू 20 प्लस 100 बाय 18, तो 100 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो 20 में जोड़ देंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी, तो मीडियन इक्वल टू 20 प्लस 100 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 18, 5.56, तो ये आ गया मीडियन 25.56। तो इस तरह से ये मीडियन कैलकुलेट हो जाएगा ये कंटिन्यूस सीरीज में, और ये आरोही क्रम की श्रेणी थी। तो ये तो आपने स्टेप क्या देखा, पहले सीरीज बदल गई हो तो बदले, फिर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लें, उसके बाद मीडियन आइटम निकालें, मीडियन आइटम को सीएफ में देखकर उसका ग्रुप पता कर लें, मीडियन ग्रुप आ जाएगा, मीडियन ग्रुप में से वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करें, तो ये मीडियन आ जाएगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है कंटिन्यूस सीरीज में।